Hi and assalamu alaikum. This is Maria Kokab, your math mentor. Welcome to my YouTube channel Math Breaker. Today I am going to discuss with you the rules of surds. I have already discussed with you the surds and the types of surds aur iske sath sath main thoda sa aapko rules ka bhi concept de chuki hu. You can also get the link of my previous video in the description box. नाउ स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ सर्ड्स. फर्स्ट पे हमारे पास रूल आता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू सर्ड्स. मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जब हमारे पास दो सर्ड्स गिवन होते हैं और आपको पता है सर्ड्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं. तो जब दो हमारे पास इरेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ सर्ड्स होंगे तो हम उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू नंबर्स 8 एंड 2. तो इन दोनों नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यहां हम एक रूल अप्लाई करेंगे जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड रूल. वो क्या होगा, अगर हमारे पास कोई से भी दो नंबर्स हैं, लेट्स सपोज m एंड n, तो जब हम सर्ड्स में उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, m मल्टीप्लाई n. दीज टू स्टेटमेंट्स आर इक्वल. तो यहां पे जब हम ये रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 2. यहां मैं रूल अप्लाई कर चुकी हूँ. वो रूल क्या है कि हमारे पास अगर दो सर्ड्स गिवन है और हमने उनको मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारे पास एक सर्ड में आ जाएंगे. तो इसके साथ ही ये क्या हो जाएगा, 8 2 16. दिस इज एक्चुअली द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड्स. इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अर्ली क्लासेस में आप ऑलरेडी स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं. स्क्वायर रूट के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, हमें 16 का एलसीएम लेना होता है. 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2. फिर हम इसके बनाते हैं, फर्दर पेयर्स बनाते हैं. पेयर्स बनाने के बाद इक्वल काम 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर. अगेन हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, दिस वन. कैसे अप्लाई करेंगे, यहां से ये 2 स्क्वायर अलग हो जाएगा और यहां से ये 2 स्क्वायर अलग हो जाएगा. आपको पता है स्क्वायर रूट जो है उसको हम कैसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2, 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2. यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 हमारे पास आ जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4. दिस इज एक्चुअली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सर्ड्स. अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ टू सर्ड्स. ये हमारे पास डिवीजन में सर्ड है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है. दो सर्ड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन. तो आपको पता है जब भी हमारे पास डिवाइड का साइन आता है तो हम सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, अगेन यहां जो डिवीजन रूल ऑफ सर्ड कौन सा अप्लाई हो रहा है, जब हमारे पास दो सर्ड्स इस तरह डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसको एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं. तो यहां भी हम यही रूल अप्लाई करने लगे हैं. यहां अब हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, कैंसलेशन करनी है. तो कैंसिल करते हैं 2 1 2 2 2 4 2 9 18. अगेन ये कैंसिल हो रहा है, 2 6 12, 2 45 आ जाएगा. और फिर 3 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा है, 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15. तो हमारे पास दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल बेसिकली हमारे पास डिवीजन से ही जनरेट हुआ. कैसे, हमारे पास यहाँ सर्ड डिनोमिनेटर में है तो ये जो हमारे पास रूल है इसको
इस रूल का नाम है रैशनलाइजेशन ऑफ डीन्यूमरेटर, यानी कि जब हमारे पास डीन्यूमरेटर में सर्ड आ जाए तो फिर हम उसको बोलेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डीन्यूमरेटर। इस रूल को अप्लाई कैसे करते हैं, सपोज हमारे पास ये सर्ड डीन्यूमरेटर में है, रैशनलाइजेशन ऑफ डीन्यूमरेटर, यहां पे इसकी आप डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी इरेशनल नंबर डीन्यूमरेटर में हो तो हम उसको चेंज करेंगे रैशनल में। हम इसको कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताती हूं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में इरेशनल फैक्टर है तो आप उसको रैशनल फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास रैशनल फैक्टर है, यानी अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो हम उसको रैशनल बनाने के लिए डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है एटलीस्ट वो रैशनल में चेंज हो जाएगा। इसको सॉल्व करती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि कैसे ये रैशनल में चेंज होगा। 2√3 इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि 2√ से बाहर है और √3 एक अलग से इरेशनल नंबर है। ये √3, ये √3 इस रूल को अप्लाई करने के साथ ये हो जाएगा 3 × 3। इसको मजीद सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3² यहां आ जाएगा 3। तो यहां हमारे पास क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर। बट यहां देखिए कि हमारे पास डिनोमिनेटर में एक रैशनल नंबर आ गया। यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास जनरेट होता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब भी हम रैशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है। ये देखिए, यहां रैशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, इरेशनल नंबर ही आता है। जब आप इरेशनल नंबर को इरेशनल से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रैशनल नंबर आता है, जो कि यहां हमने किया। इरेशनल को इरेशनल से ही मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। थर्ड, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। आई वुड लाइक टू सी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो चलते हैं डिफरेंस एंड एडिशन ऑफ टू सर्ड्स की तरफ। ओके गाइस, एडिशन ऑफ टू सर्ड्स, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एडिशन ऑफ टू सर्ड्स कब पॉसिबल होती है, जब हमारे पास सिमिलर सर्ड्स होते हैं। सिमिलर सर्ड्स अगर सिमिलर नहीं है तो यू हैव टू मेक द सर्ड्स सिमिलर एंड देन यू हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ओवर हियर एंड आई टेल यू हाउ टू मेक द सर्ड्स सिमिलर और फिर इसको सॉल्व करते हैं बाय एडिशन ऑफ टू सर्ड्स से। तो गाइस, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहां आप चेक कीजिए कि हमारे पास सिमिलर सर्ड नहीं है तो फर्स्ट यू हैव टू मेक द सर्ड्स सिमिलर। तो कैसे इसको सिमिलर बनाएंगे, 25 को आप लिख सकते हैं 50 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 = 25 मल्टीप्लाई 2 50 + 5, इसको भी ऐसे ही लिखा जा सकता है। और 200 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × चेक कर लेते हैं,
यानी इसको लिख सकते हैं ये। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे फाइव का पेयर, यहाँ पे टू और यहाँ पे फाइव के पेयर बन जाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं फाइव स्क्वायर मल्टीप्लाई टू प्लस फाइव, फाइव स्क्वायर मल्टीप्लाई टू प्लस टू स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव स्क्वायर मल्टीप्लाई टू। यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड का रूल अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फाइव स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस फाइव, फाइव स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस टू स्क्वायर मल्टीप्लाई फाइव स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ टू। यहाँ पे ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूं, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ टू आ जाएगा प्लस, यहाँ चेक कीजिए ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस, यहां से ये भी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, टू यहां आ जाएगा ये। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, फाइव टू जर ट्वेंटी, फाइव फाइव जर ट्वेंटी फाइव, फाइव टू जर टेन, और यहां चेक कीजिए कि आपके पास सर्ड सिमिलर हो गए, स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ टू, देन आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ट्वेंटी, सॉरी देन आप इसको ऐड कर सकते हैं प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस टेन और स्क्वायर रूट ऑफ टू कॉमन ले लें, ट्वेंटी फाइव प्लस टेन थर्टी, थर्टी फिफ्टी फाइव। दिस इज हाउ टू एड सर्ड्स। सो ये फाइव रूल्स थे, फर्स्ट रूल मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर्ड, सेकेंड रूल डिवीजन ऑफ सर्ड्स, थर्ड रूल रैशनलाइजेशन ऑफ टू सर्ड्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, इफ येस देन क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।